आप देख रहे हैं रादौर टाइम्स, आपके शहर का अपना चैनल। बीजेपी के संस्थापक व जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मोत्सव पर रादौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4 किलोमीटर की सैर कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। स्थानीय विधायक श्याम सिंह राणा द्वारा आयोजित इस सैर कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सैर कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी घोटाले करती हो उसे सभी जगह घोटाले ही नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कभी चाइना में जाकर कभी पाकिस्तान जैसी बातें करते हैं, वो राष्ट्रहित में नहीं है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उसके उपलक्ष्य में ही राणा जी का एक कार्यक्रम रहता है। राणा जी सुबह सुबह सैर करते हैं और रोज सुबह वो लगभग 4-5 गांव में 10-12 किलोमीटर की सैर करते हैं। लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनते हैं और सैर भी करते हैं। देखिए, जो घोटाले की बात है तो घोटाले वाली पार्टी जोन सी है ना, जिसको सारी जगह घोटाले नजर आते हैं। ना ही तो कोई देश का आदमी मान रहा, ना ही कोई आदमी इसको मानता है कि कोई घोटाला है। अब सबको पता है कि किस प्रकार की सरकार है, किस प्रकार का देश का प्रधानमंत्री है, कैसी आज मंत्रिमंडल है। तो सब लोगों को, हिंदुस्तान की जनता को यकीन है कि उन्होंने जो कुछ किया वो देश के हित में किया और बहुत अच्छा किया और आज की देश की जरूरत थी। वहीं विधानसभा में हुए प्रकरण पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि कई बार राजनीतिक दल सत्ता पक्ष की उपलब्धियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के ओछे हथकंडे भी अपनाते हैं। अभी विधानसभा में आपने देखा कि जिस प्रकार से घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री ने, बिजली के रेट आधे कर दिए और फिर उसके बाद जो घटना घटी, तो कई बार तो घटनाएं इसलिए भी घटाई जाती है ताकि उससे डाइवर्ट हो जाए लोग, खबर दूसरी बन जाए और घटना दूसरी दे। तो इस प्रकार से भी कई बार डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। वहीं विधायक श्याम सिंह राणा ने कहा कि वे हर रोज सुबह कार्यकर्ताओं के साथ सैर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और इस सैर कार्यक्रम के माध्यम से ही लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ लोगों की समस्याओं को भी सुनते हैं। सैर करते हैं और 162 गाँव में हम 60 दिन में एक राउंड पूरा कर लेते हैं और जैसे हम गाँव में जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से एक कमिटमेंट करा ली थी, भाई हम आपके पास आते हैं एक रोज साल में, आप भी हमारे पास आ जाओ। सब ने कहा आएंगे। तो कितने आओगे? वार्ड 1100 है, एक वार्ड से 5 मोटरसाइकिल, 10 आदमी, तो संख्या तो 11000 बढ़ती है। इस बार, पिछली बार 2 बार ये हमने सैर की, अगली बार सैर के लिए निमंत्रण दे दिया। इससे हम गांव के जाकर गांव का विकास की भी बात करते हैं, लोगों की समस्या भी सुनते हैं और सैर भी करते हैं। आज के सैर कार्यक्रम में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रादौर टाइम्स।